गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर बिंदोरा की एक नन्ही सी बच्ची ने देर शाम एक रुपए का सिक्का खा लिया, जिससे उसके गले में सिक्का फंस गया, जिसके बाद सांस लेने की तकलीफ होने पर परिजनों ने तत्काल नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल गुमला पहुंचने पर डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए तत्काल रिम्स रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार चैनपुर बंदोरा निवासी रवि टोपको का 2.5 वर्षीय पुत्री प्रीति टोपको देर शाम पैसे से खेल रही थी, तभी अचानक 1 का सिक्का उसने निकल लिया, जहां सिक्का गले में जा फंसा। चैनपुर प्रखंड के बिंदोरा गांव निवासी रवि टोपको की 2.5 वर्षीय बच्ची कीर्ति टोपको खेलते खेलते अचानक में 5 रुपया सिक्का पैसा को निकल गई और आनंद फानंद में उस बच्ची को उसके माता पिता चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र लाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर उसे रेफर कर दिए गुमला, और अभी जानकारी हुई कि गुमला से भी उनको रेफर कर दिया गया रांची, लेकिन रास्ते में उस बच्ची का सिक्का पेट में निकल गया और फिर से उन्होंने उस बच्ची का एक्सरे कराए। एक्सरे के बाद में डॉक्टर ने उसे आश्वस्त कराया कि बच्ची को कोई दिक्कत नहीं है और अगर कहीं दिक्कत होगी तो फिर से उन्हें हॉस्पिटल लाने का कोशिश करेंगे। सुशील दीपक मिंच, जीएम जिला उपाध्यक्ष, चैनपुर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।